हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनमोहन पोरवाल, लेक्चर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, आपके समक्ष अपने अगले वीडियो में उपस्थित हूँ। आज अपन पढ़ेंगे हाफ एडर के बारे में। दोस्तों, हाफ एडर जो होता है ये दो बाइनरी डिजिट को जोड़ता है तथा आउटपुट में एक सम बिट तथा कैरी बिट देता है। अलग अलग इनपुट क्या हो सकते हैं ये अपन अगली ट्रुथ टेबल में देखते हैं। ए और बी दो इनपुट है तो इस दशा में चार कंडीशन बनती है इनपुट्स की। पहले 0-0, फिर 0-1, फिर 1-0 और फिर 1-1। तो जो आउटपुट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इनपुट अगर 0 है ए और बी अगर 0 है तो सम 0 कैरी 0, ए अगर 0 है बी 1 है तो सम 1 कैरी 0, ए अगर 1 है बी अगर 0 है तो सम 1 कैरी 0, ए 1 और बी 1 है तो सम 0 कैरी 1। इसको ध्यानपूर्वक देखें अपन तो ये बात समझ आती है कि जब भी ऑड नंबर ऑफ वन है तो सम वन है और कैरी कब वन है जबकि ए और बी दोनों वन है। तो जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आउटपुट है वो तो सम हो जाएगा और एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा वो कैरी। तो इसको हाफ एडर को अपन चित्रानुसार रियलाइज कर सकते हैं। ए और बी इनपुट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आउटपुट सम हो जाएगा और ए इन टू बी एंड गेट का आउटपुट वो कैरी हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ए बी, एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी। अब इसको अगर नैंड गेट से प्राप्त करना अपन को हाफ एडर को, ये कहा जाए कि नैंड गेट की सहायता से हाफ एडर को प्राप्त कीजिए, तो इसके लिए चित्रानुसार संयोजन करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसकी कैरी जो है पहले ए और बी, तो ए बार पहले नैंड गेट से मिलती है ए बी बार, फिर अगला एंड गेट नैंड गेट नॉट की जैसे कनेक्ट कर देते हैं तो कैरी मिलती है ए बी। और ऊपर देख रहे हैं सम प्राप्त होता है ए बार बी का बार डॉट ए बी बार का बार होल बार। इसको अगर सोल्व करें अपन, सम इज इक्वल टू ए बार बी का बार डॉट ए बी बार का होल बार इज इक्वल टू ए बी बार डॉट ए बार बी का होल बार इज इक्वल टू ए बी बार का बार प्लस ए बार बी का बार इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ए बार बी प्लस ए बी बार सम प्राप्त होता है जो कि एक्सक्लूसिव ओर गेट का आउटपुट है। तो नैंड गेट की सहायता से अपन ये प्राप्त कर सकते हैं और कैरी सी इज इक्वल टू ए बी होता ही है जो अपन देख लिया। दो नैंड गेट को सीरीज में लगा के अपन कैरी ए बी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि हाफ एडर को नोर गेट की सहायता से बनाइए तो ये अपन कर सकते हैं चित्रानुसार देख रहे हैं आप। ए और बी इनपुट है, दो नैंड गेट दो नोर गेट के आउटपुट ए बार और बी बार प्राप्त होता है। इन दोनों को एक अलग नोर गेट में दिया जाता है तो इसका आउटपुट होता है ए बार प्लस बी बार का होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम काम में लेते हैं यहाँ पे अपन, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी, ए बी है कैरी तो इसका आउटपुट हो जाएगा कैरी ए बी प्राप्त हो जाएगा। फिर एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है वो सम है तो नीचे अपन ने एक नॉर गेट लिया है जिसका आउटपुट है ए बार बी बार और ऊपर है ए बी, इन दोनों को एक नॉर गेट में देते हैं तो अपन को प्राप्त होता है ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार। और इसको सोल्व करेंगे तो कैरी प्राप्त होती है सम प्राप्त होता है ए बार बी प्लस बी बार ए, यानी एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट अपन को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उस तरह से अपन हाफ एडर को तीन तरह से प्राप्त किया अपन ने, एक तो एक्सक्लूसिव ओर गेट और एंड गेट की सहायता से, दूसरा नैंड गेट की सहायता से और तीसरा नोर गेट की सहायता से। आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।